बैठक में शामिल हुई पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पटना में मीडिया से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपना बिहार का अनुभव साझा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए वो जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि अब भी अगर विपक्षी एकता ना होती तो 2024 में ना विपक्ष बचता और ना ही विपक्ष के नेता। कुमार जी ने सबको इकट्ठा लाया, इकट्ठा किया, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम किया उन्होंने, जिसके लिए मैं उनको बार बार जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। लालू जी भी थे, तो मुझे उम्मीद है कि जो मुल्क के हालात, अगर इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अब तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होके मुल्क के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त क्या होने वाला है, ये तो खाली अमेरिका में तो हिंदुस्तान नहीं बसता, हिंदुस्तान तो यहाँ बसता है, जहाँ आपके पास लोगों को जब से ये सरकार बनी है गरीबी और ज्यादा आ गई है, लोगों को अगर फ्री राशन न मिले तो खुदा ना खास्ता भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नौकरी कमाने का साधन नहीं है। बेरोजगारी में विश्व गुरु बन गए हैं हम, इंटरनेट शटडाउन में विश्व गुरु बन गए हैं, महंगाई में विश्व गुरु बन गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने में विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अपोजिशन इकट्ठा नहीं होगा। मुझे खुशी है पटना एक ऐसी जगह बनी जहाँ पहली बार इतनी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठे हुई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे, अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की जो वहदत है, इस मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, अगर गांधी के मुल्क को बचाना है, अगर नेहरू के मुल्क को बचाना है, तो उसकी शुरुआत जो है, जो शुरुआत उन्होंने जम्मू कश्मीर में की आइडिया ऑफ इंडिया को दफन करने की, उस शुरुआत को पटना से हमने शुरू किया कि फिर से जिंदा करना है।